मेरा आधार कार्ड बन गया है, पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर का बयान। कतर की राजधानी दोहा में इन दिनों लीजेंड लीग क्रिकेट मास्टर्स टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका रोमांच चरम पर है। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर इसी टूर्नामेंट में मैच खेलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने एक मैच खेला जिसमें एक ओवर गेंदबाजी भी की थी। इसी मैच के बाद अख्तर ने यह बयान दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने एक बयान से हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत बेहद पसंद है और वह दिल्ली आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, अख्तर ने यहां तक कह दिया है कि उनके पास आधार कार्ड भी है। अब भारत का होने के लिए उनके पास साबित करने को बाकी कुछ नहीं रहा है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में इन दिनों लीजेंड लीग क्रिकेट मास्टर्स टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका रोमांच चरम पर है। शोएब अख्तर इसी टूर्नामेंट में मैच खेलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने एक मैच खेला जिसमें एक ओवर गेंदबाजी भी की थी। इसी मैच के बाद अख्तर ने यह बयान दिया। अख्तर ने कहा, मुझे भारत बहुत पसंद है, मैं दिल्ली आता रहता हूँ। मेरा आधार कार्ड बन गया है, बाकी कुछ रह नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि इस साल होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में ही हो और इसके फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान टीमें आमने सामने हो। मैं भारत में खेलना काफी मिस करता हूँ। भारत ने मुझे बेहद प्यार दिया है। एशिया कप को पाकिस्तान या श्रीलंका में होना चाहिए।